आज जिस प्लान पे हम चर्चा करने वाले हैं उस प्लान का साइज 19x80 फिट है, जो कि 19x96 फिट के प्लाट पर तैयार किया गया है। इसके तीन साइड अदर प्रॉपर्टी है, सिर्फ फ्रंट में ही खुलता है। फ्रंट में 16x19 फिट का ओपन रखा गया है, जो ओपन लान के रूप में यूज हो जाएगा। बाकी थ्री साइड फुल क्लोज है। आइए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। आप लोग पहले से ही जान रहे हैं प्लान का साइज 19x80 फिट है, जो कि दो फ्लोर में तैयार किया गया है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। आइए ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट शुरुआत में डिटेल में देख लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर में फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में एक शॉप रखा गया है, जिसका साइज 8x9x15x5 है। साइड में ही कार पार्किंग रखा गया है, जिसका साइज 8x5x22x9 है। कार पार्किंग से होकर के ही मकान में एंट्री है, लेकिन एंट्री से जस्ट पहले एक स्टेयर रखा गया है। स्टेयर के लैंडिंग के नीचे एक बाथरूम दे दिया गया है, जो कि ड्राइंग रूम से खुलता है। आप चाहे तो बाहर से भी डोर लगा के यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का साइज 17x2x13 फिट रखा गया है। ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन के लिए स्टेयर के साइड से एक विंडो दिया गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ड्राइंग रूम से आगे एक बेडरूम है, जिसका साइज 12x4x14 फिट है। साइड से ही एक पैसेज रखा गया है 4 फिट का। पैसेज से हम आगे बढ़ते हैं तो डाइनिंग एरिया मिलता है, जिसका साइज 9x1x14 फिट है। डाइनिंग से ही लगा हुआ साइड में किचन है, जिसका साइज 8x1x9x8 है। किचन डाइनिंग और बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे, इसके लिए एक ओटीएस दिया गया है, जिसका साइज 8x1x4 फिट है। इस ओटीएस में हैंड पंप या समरसेबल आप लगवा सकते हैं। फिर आगे बढ़ लेते हैं, पीछे की साइड में एक बेडरूम है, जिसका साइज 11x11x14 फिट, यानी कि आप सीधा सीधा 12x14 मान सकते हैं। डाइनिंग से ही एक बाथरूम खुलता है, डाइनिंग से लगा हुआ बाथरूम रखा गया है, जिसका साइज 5x2.5x8x7 इंच। बाथरूम और बेडरूम को वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता रहे, इसके लिए बैक साइड में एक ओटीएस दिया गया है, जिसका साइज 5x2.5x5 फिट है। नेक्स्ट हम फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, फर्स्ट फ्लोर रेंट परपज तैयार किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए स्टेयर का प्रयोग करेंगे। स्टेयर से ही तीन फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर में, और स्टेयर से होकर के ही तीनों फ्लैट पर जाया जा सकता है, बिना किसी एक दूसरे फ्लैट को डिस्टर्ब किए हुए। आइए डिटेल में समझ लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। शुरुआत हम करते हैं पहले फ्लैट से, आगे की तरफ जो बना हुआ है। स्टेयर से होकर के हम आएंगे तो फर्स्ट लॉबी में एंट्री करेंगे। लॉबी की साइज 8x9x7x10 इंच है। लॉबी के दाहिने साइड में बेडरूम, जिसका साइज 9x1.5x10x8 इंच है। और लॉबी से सामने की तरफ 8x9x6x10 इंच का किचन है। बाकी एक बाथरूम भी रखा गया है, जिसका साइज 9x1.5x4 फिट है। यानी कि 1 BHK का एक फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा फ्लैट निकल गया है। नेक्स्ट हम अगले फ्लैट को देख लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए 4x5 इंच का पैसेज रखा गया है। पैसेज से ही आगे बढ़ेंगे, फिर हमको एक डोर मिलता है, जो कि दूसरे फ्लैट में खुलता है।
डोर से अंदर जाएंगे तो लॉबी में एंट्री होगी। लॉबी की साइज 8 फीट 5 इंच गुणे 5 फीट 3 इंच है। लॉबी से ही लगा हुआ आगे की तरफ किचन है जिसका साइज 8 फीट 5 इंच गुणे 4 फीट है। इस तरफ देख लेते हैं तो एक बेडरूम भी है जिसका साइज 13 फीट 6 इंच गुणे 13 फीट है। किचन के दाहिने साइड में एक बाथरूम है 4 फीट 8.5 इंच गुणे 6 फीट 9 इंच का। ये भी एक फैमिली के लिए बढ़िया फ्लैट है। इस फ्लैट में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बेडरूम का विंडो पैसेज में रखा गया है। किचन का एक कॉमन लॉबी है उस लॉबी में दिया गया है। बाथरूम का भी कॉमन लॉबी में दिया गया है जो कि कॉमन लॉबी सिर्फ रास्ते में यूज होगा, ये किसी के लिए नहीं है। नेक्स्ट हम तीसरा फ्लैट देख लेते हैं जो कि सबसे लास्ट में बना हुआ है। उस फ्लैट में जाने के लिए लॉबी से एंट्री करेंगे। लॉबी की साइज 9 फीट 5.5 इंच गुणे 9 फीट 8 इंच है। लॉबी के बाएं साइड में एक किचन है जिसमें 8 फीट 5 इंच गुणे 9 फीट 8 इंच का किचन रखा गया है। आगे देखेंगे तो 12 फीट 4 इंच गुणे 14 फीट 5 इंच का बेडरूम है। बेडरूम के बगल में बाथरूम रखा गया है 5 फीट 7 इंच गुणे 8 फीट 7 इंच। लास्ट में ओटीएस 2 की नीचे से ही है। अब ये ओटीएस ऊपर तक चला जाएगा। यदि हम चाहें तो इसके ऊपर सेम इसी तरह का अभी कई फ्लोर और ले जा सकते हैं। जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हम इसको और ऊपर तक कर सकते हैं।